Tony, how sweet. Aren't you Tony? Yes. What do you do, miss? कब से इंतजार कर रहे हैं तो तुम हो टोनी, टोनी ब्रिगेंजा। अंदर आओगी टोनी या इसी तरह हेजल का हाथ पकड़े खड़े रहोगे? हेलो आंटी। हेलो नैंसी। यकायक एक अजनबी लड़की मेरे सामने पेश कर दी, वो भी यू नो। चलो लड़की पसंद तो आ गई। मीट हेजल पिंटो, मेरी सहेली टोनी। हेलो हेजल, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। Nice meeting you. My pleasure. अरे यही खड़े रहोगे क्या? बैठो हेजल, चलो टोनी तुम भी। Come on टोनी। बना दी है। आज बहुत गर्मी है। नहीं? इस तरह मर्दों के सामने स्कर्ट ऊपर करके बैठना ठीक नहीं है, तुमने क्या समझे? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। टोनी, ये कुछ फलवल है, लो खाओ। नो थैंक यू आंटी, मुझे नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? लाओ आंटी, मैं खिलाती हूँ। ये लो। अरे नहीं। अरे नहीं कैसे? खाओ खाओ। तुम तो अभी कह रहे थे कि नहीं चाहिए। कोई इस तरह खिलाए तो ना कौन कर सकता है। खाओ ना। रुक रुक गए। बहुत है। हेजल, तुम्हें बैठने में तकलीफ हो रही होगी। ओ नो आंटी, मैं तो बहुत आराम से बैठी हूँ। नहीं हेजल, ये कोई बैठने का तरीका नहीं है, चलो उठो। टोनी, तुम्हें देर हो रही है, तुम्हें नैंसी को बाहर जाना है। मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम भी चलो ना हमारे साथ। क्यों नैंसी? नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी जाकर। अरे तुझे जाने दे तब ना, चल निकल जा, भाग सुरेल। हेजल नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हो? चलो हेजल, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ आती हूँ। मैं अभी आई नैंसी। बाय नैंसी। बाय। बाय टोनी, सी यू सून। बाय हेजल, नाइस मीटिंग यू। ये हेजल भी खूब लड़की है ना? तुम जानो, तुम ही काफी ध्यान दे रहे थे इसकी तरफ। कम ऑन नैंसी, आखिर तुम लोगों की मेहमान है, शराफत तो पेश आना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हेजल को शराफत नहीं दिखाओगे तो क्या हम लोगों को दिखाओगे? तुम लोगों को? तुम लोगों से कौन सी बदतमीजी की है मैंने? मामा जब कुछ खाने को कहती है तो तुम्हें भूखी नहीं होती, हमें क्या मालूम तुम्हें गोद में बिठा कर खिलाना पड़ता है। कम ऑन नैंसी, हर बात की हद होती है। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, और मेरे ख्याल में अब तुम भी जा सकते हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। दवाई ला दूं या? कुछ नहीं, मुझे बस अकेला छोड़ दो, बहुत मेहरबानी होगी। तुम सचमुच यही चाहती हो? हाँ हाँ मैं यही चाहती हूँ, जा सकते हो तुम। ओके जाता हूँ, हेजल शायद बस स्टॉप पर ही मिल जाएगी। गुड नाइट। अरे क्या हुआ टोनी, चला गया क्या? हाँ फिर वापस आ रहा है ना? मुझे नहीं मालूम, आए ना आए मेरी बला से। कहाँ जा, नीली जरी वाली ड्रेस पहन ले, लेकिन अपनी मम्मी की बात कभी सुनी थी? ओफो मम्मा, ठीक है मैं भी अच्छा मजा चखाऊंगी। टोनी क्या समझता है, बम्बई में एक वही लड़का है और कोई नहीं? अरे तो हर वक्त बाहर क्यों आ जाता है बजाते बजाते? मम्मी मूड में कुछ ख्याल थोड़ी ही रहता, मैं काम बजा रहा हूँ। नैंसी। ए
तुम्हारी मम्मी कह रही थी तुम्हारा कल टोनी से झगड़ा हो गया। हाँ। अरे कोई लड़की जानबूझकर किसी के गले पड़े तो बेचारा टोनी क्या करेगा। फिर वही बात अंकल, मेरा बस चले तो मैं टोनी की शक्ल भी कभी ना देखूं, सब बराबर हैं। फिर शुरू हो गया। मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग नैंसी। गुड मॉर्निंग सनी। अरे सुनो टोनी, मरीन लाइंस पे उतर जाना, तुमसे कुछ जरूरी काम है। ओके। अंकल, अगर तुम मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। अरे भाई कौन तुम्हारी हालत के पीछे पड़ा है। टोनी को मरीन लाइन स्टेशन उतरने की क्या जरूरत है। नैंसी डार्लिंग, तुम्हारा झगड़ा टोनी से है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी दुनिया का झगड़ा टोनी से है। मेरा टोनी से अब कोई वास्ता नहीं। ओके ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये मेरा आखिरी फैसला है। चलो ये भी ठीक है, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या कौन सा शहर है, फरुखाबाद। भाई टोनी, तुमसे जरूरी काम था इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। कोई बात नहीं अंकल, मेरा 3 दिन का आज मेरी तरफ से। भाई नैंसी को तो पूछो ये पिएगी या नहीं। क्यों, क्या बात है। नैंसी का अब तुमसे कोई वास्ता नहीं। अंकल आप ही बताइए, कल मैं नैंसी के यहाँ गया था तो वहां एक नागिन बैठी थी जिसने मुझे निगलने की कोशिश की और इसलिए नैंसी मुझसे नाराज है। अब आप ही बताइए मैं क्या करता। बताओ टोनी क्या करता। अगर तुम हेजल को अपने घर बुलाओगी तो और क्या होगा। हेजल मेरी सहेली है बचपन की। भाई हेजल नागिन हुई तो क्या हुआ, नैंसी की सहेली है बचपन की। ओ, मतलब उसे निगलने का पूरा अधिकार है। वैसे अंकल मेरे पास सैटरडे इवनिंग शो की 2 टिकटें अभी तक हैं। ऑफ कोर्स नैंसी अगर न जाना चाहे तो दूसरी बात है। क्या यह ठीक होगा नैंसी। क्या ठीक होगा। नैंसी, टोनी की तनख्वाह इतनी नहीं है, फिर भी खर्च करके वो तुम्हारे लिए सिनेमा की टिकटें ले आया और तुमसे वो खुद कह रहा सिनेमा जाने के। ऐसे वक्त पर न मानना। माने न माने की कोई बात ही नहीं है। ये तो सोचो नैंसी। अरे बंद करो ये किताब। थैंक यू। ये तो सोचो नैंसी, अगर तुम टोनी के साथ सिनेमा जाओगी तो हेजल को डींग मारने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उसने टोनी को तुमसे छीन लिया। जो मेरा है ही नहीं उसे छीनने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है टोनी, टिकटें फाड़ डालो। फाड़ने की क्या जरूरत है, बेची भी तो जा सकती है। एक बार खरीदने जाओ फिर बेचने जाओ। चले पे नमक। और नहीं तो क्या। अंकल ये टिकट नैंसी को ही दे दीजिए, चाहे बेच दे चाहे फाड़ दे, नहीं तो अपने बचपन के सहेली के साथ देख लें सिनेमा। लो बेचारे टोनी की कमाई के पैसे यूं ही गए। टिकट्स टोनी को वापस दे दो। ये लो टोनी, रख लो टिकट्स। नैंसी कह रही है वो शनिवार शाम को थिएटर पहुंच जाएगी। क्यों नैंसी, ठीक है ना। कौन सा थिएटर है अंकल। मेट्रो 6 बजे। लेकिन अंकल जब सारी बातें आपको बीच में रखकर ही करनी पड़ रही हैं, मेरा ख्याल है आपके लिए भी एक एक्स्ट्रा टिकट खरीद लूं। पागलों जैसी बातें मत करो। चलो अंकल, तुम तो सचमुच ऐसे कह रहे हो जैसे हम लड़ पड़े हैं। चलो लेट्स गो। अंकल कभी कभी लगता है नैंसी बहुत बेवकूफ है, अकल है ही नहीं। फिर कभी कभी लगता है कि नहीं ये बात नहीं, बहुत सीधी लड़की है। टोनी अकल के मामले में सब औरतें बराबर होती हैं, समझे। चलो चलो। हाय नैंसी। हेलो। दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। अरे आज तो बहुत स्मार्ट लग रही है। थैंक यू नैंसी, ये ड्रेस मेरे अंकल ने प्रेजेंट दी है। सेव अंकल। हाय आंटी। हेलो हेजल, अच्छी तो हो। बहुत अच्छी हूँ। बैठो बैठो। आज वो आने वाला है क्या, क्या नाम है उसका। टोनी। हाँ हाँ टोनी आ रहा है ना आज। कह नहीं सकती, आ भी सकता है, मिलता तो रहता है ना। टोनी ने कोई बात चलाई, मेरा मतलब है तू चाहती है ना उसे। टोनी और हम अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा किसी ने कुछ सोचा नहीं अब तक। दोस्ती से आगे बात कब बढ़ेगी। <laughs>
कैसी है नैंसी? टोपेज है। ये तो अपने अपने पसंद है, मुझे नीलम के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो टोपेज ही पसंद है, बड़े बड़े चमकते हुए जैसे मेरी अंगूठी है। मेरी शादी होने वाली है, कल ही तो दी है उसने मुझे। अरे हेज़ल मुबारक हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुबारक हो। लड़का कौन है? तू नहीं पहचानेगी, एक महीना हुआ मुझे एक पार्टी में मिला था। कहता है मेरे जैसी कोई लड़की ही नहीं देखी उसने, बहुत तेज है, फौरन शादी की बात छेड़ बैठा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तू राजी हो गई? राजी ना होती तो क्या करती? कहता था राजी ना होंगी तो एरोप्लेन से कूद कर जान दे देगा। बेचारा। टोनी से जान पहचान हुए कितने दिन हुए तेरे? यही कोई 3 महीने 19 दिन। अब बात आगे बढ़ानी चाहिए नैंसी, कितने दिनों तक ऐसे चलाती रहेगी? सब कोई टोपाज की अंगूठी जैसे तेज थोड़े ही है। अच्छा मैं चलती हूँ नैंसी, कहीं ज्यादा देर तक रुकने भी नहीं देता मुझे। चल मैं बस स्टॉप पर छोड़। नहीं नहीं नैंसी, मैं गाड़ी में आई हूँ, उसी की गाड़ी है। बाय आंटी। बाय। गाड़ी थी मेरे की अंगूठी, कार कहाँ मिल गया ये हेज़ल को, और पैसे वाला भी है, जरूर कोई बूढ़ा होगा। जवान भी हो सकता है, हेज़ल देखने में बहुत उसी अच्छी है। हाँ अच्छी है, और तू भी क्या कुछ कम है? और तू क्या समझ रही है, वो अपनी मम्मी की खुशखबरी सुनाने आई थी? वो आई थी तुझे जताने, देख कैसे चुटकी में लड़का मिलता है, क्या मैं नहीं समझती? अरे तू रात भर यही बजाता रहेगा। नैन्सी को लड़का नहीं मिलता तो मुझ पर क्यों बरस रही हो? मुझे लड़का मिले या ना मिले उससे तुझे क्या लेना देना, जा तू अपना काम कर। कहां मुसीबत में फंस गए? टोनी की नौकरी पक्की हुई या नहीं कि वो अभी तक 300 रुपए में पड़ा है? मुझे नहीं मालूम। हेलो रोजी। बहुत दिनों बाद आई हो। लेकिन मैं अभी चली जाऊंगी। वो तो मालूम है, दोपहर का खाना खाकर चली जाना। वो तो ठीक है। अच्छा खाने तक ठहरती हूँ, खाने के बाद चली जाऊंगी। हाँ हाँ चली जाना आंटी। और बताओ कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। नैन्सी के लिए कोई लड़का मिला? हाँ एक मिला है। अच्छा कैसा है लड़का? लड़का तो अच्छा है, मिलनसार, नेक, यहाँ आता भी है। कितने दिनों से पहचान है? 4 महीने होने को आए। ओह 4 महीना। हाँ? और अभी तक बात पक्की नहीं हुई? कहाँ हुई आंटी? रोजी 4 महीने हो गए, अभी तक लड़के की मंशा नहीं मालूम कर सकी कि शादी करेगा या नहीं करेगा। आंटी आजकल का जमाना कुछ और है, ये लोग कहते हैं 4 महीने कुछ भी नहीं है। ओहो मेरी समझ में कुछ नहीं आता, 4 महीने हो गए अभी तक लड़के ने शादी की बात भी नहीं छेड़ी, क्या जमाना आ गया है। हेलो फिलोमिना। हेलो आंटी कैसी हो? कब आई? मैं तो सवेरे से आई हूँ। अच्छा? बस जा ही रही थी, रोजी ने रोक लिया। अब कल सवेरे जरूर चली जाऊंगी, दोपहर के खाने के बाद। नहीं नहीं सुबह ही चली जाऊंगी। तुम भी क्या जल्दी है फिलोमिना, रह जाओ 2-4 दिन। हाँ भाभी यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ बजाओ बेटा, फिलोमिना आंटी सुनेगी। येलो रिबन। हाँ Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you? अरे बंद क्यों किया? साथ में गाओ तो सही, भागी कहाँ जा रही हो? ठीक ही तो गा रही हूँ। बजाओ सभी बेटा बजाओ, आपकी बात तेरी मामी ठीक से गाए। हाँ बजाओ। Tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you? अरे फिर क्यों बंद किया? बजाना आता है कि नहीं? नहीं। देखो तो सही, नैन्सी आ गई। हेलो दादी। अब तक कहाँ थी? शनिवार है, सोचा एक पिक्चर देख रहा हूँ। तेरे साथ कौन था? टोनी, वही लड़का जिसके बारे में मैं कह रही थी। मैं अभी आई दादी। अरे एक मिनट बैठ तो सही, बैठ यहाँ। अब उधर क्या देख रही है? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने सुना है तू टोनी के साथ 4 महीने से घूमती रही है। हाँ दादी मैं टोनी को 3-1 महीने से पहचानती हूँ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या चलता रहेगा,
आंटी पूछ रही है इतने दिन हुए शादी के बाद क्यों नहीं कर रहा। मुझे तो शादी के बाद करने की इजाजत ही नहीं है। तुम इन लोगों के मामले में क्या कहो? ओहो, टॉम, रोजी नैंसी की माँ नहीं है क्या? ममा सिर्फ 3 ही तो महीने हुए हैं, अब तक शादी के बारे में सोचा ही नहीं। क्या शादी के बारे में सोचा ही नहीं? तो 4 महीने से क्या कर रही थी? वो लड़का भी अजीब है, तेरा क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है? वो क्यों मेरा वक्त बर्बाद करने लगा? मुझे टोनी अच्छा लगता है, इसलिए हम मिलते रहते हैं। अरे कम से कम इतना तो पूछ लिया होता, क्या काम करता है, कितनी तनख्वाह है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी संभाल सकेगा या नहीं। सुनो दादी प्लीज, ये सब तो शादी के बाद पक्की होने पर ही जानने की जरूरत पड़ती है, पहले कौन पूछता है ये सब। इस मामले में हमारी नैंसी बहुत ही कमजोर है, ये इसके बस की बात नहीं है। एक बार मैं फिर कह देती हूँ, बुरा नहीं मानना, मैंने दुनिया देखी है, वो लड़का कभी भी नैंसी के साथ शादी नहीं करेगा, समझ गई? देखो जब तक लड़कों से सख्ती के साथ पेश नहीं आओगी, लड़के तो यूं ही भागते फिरेंगे, और फिर हमारी नैंसी जैसी, भला बताओ तो, वो लड़का 4 महीने से यूं ही नैंसी के साथ घूम फिर रहा। मेरी राय मानो तो उस लड़के को तो भूल ही जाओ। नैंसी की शादी के लिए अपने पादरी से बात करो, या तो अखबार में इश्तिहार दे दो, या किसी शादी के दलाल से बात करो। शादी का दलाल, अखबार में इश्तिहार, दादी तुम तो। ओहो, तो फिर इसमें नुकसान क्या है? मेरी भी शादी एक दलाल के जरिए से हुई थी। चलो नैंसी, देर से आई हो, हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो, और फिलोमिना आंटी को गुड बाय कर लो, ये कल सुबह शायद जल्दी चली जाए। गुड बाय दादी, फिर आना जल्दी। गुड नाइट। गुड नाइट फॉक्स। चलो मारिया, चलो। हमारी एक रिश्तेदार है, मामा की फूफी, परसों में रहती है, कभी कभी आ जाया करती है, कहती है अभी चले जाऊंगी, लेकिन 2-3 दिन रहकर ही जाती है। प्लीज डोंट मूव। कल वो मेरे पीछे पड़ गई, कहती है 4-4 महीने हो गए अभी तक शादी नहीं हुई। तो फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, कह दिया अभी तक इस मामले में हमने कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारी दादी तो फिर बिगड़ गई होगी। हाँ, बिगड़ने दो, हमें क्या, जो कुछ भी करना है वो हम फैसला करेंगे, वो क्यों बीच में आ रही है। हाँ ये बात भी ठीक है। हमारे यहाँ का हाल कुछ और ही है, इसीलिए तो आज तक मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले गया, कहीं मम्मी को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ घूम फिर रहा हूँ तो बस घर में तूफान खड़ा कर देगी। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे अकल नहीं है। और जो कुछ भी करना है मेरी मम्मी मेरे लिए तय करेगी। और अगर मामा को पता चल गया तो? तो, हाँ? तो मैं कहूंगा क्या बात कर रही हो तुम मम्मी, मैं और लड़की, तुमने गलत सुना होगा, मैं तो अभी शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता। और तुम्हारे डैडी? नहीं, डैडी की बात तो अलग, वो समझदार हैं, मुझे कभी कुछ भी जरूरत पड़ती है ना, मैं उन्हीं की मदद लेता हूँ। काश मेरे भी डैडी होते। चलो तुम्हारी वो मजेदार रिश्तेदार आई है ना, उनसे मिल लेते हैं। लेकिन दादी तो सुबह ही चली गई होंगी। चलो तो सही। जाती हूँ रोजी, देखते देखते 2 दिन गुजर गए। 2 दिन रही, कुछ मन का बोझ तो हल्का हो गया। फिर कब आओगी? जल्दी ही आऊंगी, तेरी नैंसी ने फिकर में डाल दिया। ओ, हेलो आंटी। अरे टोनी, यही अपनी नैंसी का टोनी है। हाँ आंटी, हाँ ये हमारी फिलोमिना फूफी है। हेलो। आओ आओ। दादी तुम तो सुबह जाने वाली थी, आओ टोनी। आपके बारे में आज ही नैंसी कह रही थी। मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ, बैठो ना थोड़ी देर फिलोमिना आंटी, टोनी आया है, कॉफी पीती जाओ। हाँ दादी बैठिए ना थोड़ी देर। हाय। आ सैविया, अच्छा हुआ तू आ गया। कहाँ जा रही हो दादी? बस 2 दिन हो गए जा रही हूँ। बैठो बैठो, 2 दिन और सही, आज मैं तुम्हें कुछ बजाकर सुनाता हूँ दादी। हाँ। परसों कह रही थी हाँ, ना। हाँ सैवी, तुमने मुझे भी कुछ नहीं सुनाया आज। अभी लो। एक काम कर सैवी, तू बजा मैं गाती हूँ। हाँ? ओ नो मम्मी, दादी तुम जाओ मैं जाता हूँ। अरे वाह, मुझे ठहरने के लिए कहा, खुद अंदर जा रहा है। दादी डार्लिंग, तुम्हें छोड़कर कौन जा सकता है। बैठो मैं बजाता हूँ। अच्छा, तूने भी कोई लड़की देख रखी है क्या? हाँ दादी देख रहा हूँ, मिल नहीं रही है। बात यह है दादी कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे काफी लंबी हो। ये क्या बकबक कर रहा है? हाँ दादी, मर्द को हमेशा अपने से लंबी औरत से शादी करनी चाहिए। क्यों? अगर औरत लंबी होगी तो अपनी नजरें नीची करके बातें करेगी, और मर्द गर्दन ऊंची करके जवाब देगा। जब देखो मजाक करता रहता, चल बजा। उठ सबके कदम, देखो रम पम पम।
उठे सबके कदम, देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तरा रम पम पम हंस और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तरा रम पम पम हंस और हंसाया करो। प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें, नहीं कोई गम मुझे नहीं है दिला, जिंदगी की राह में मिला है जब से तुम मेरे हमदम, शबनम हम गे और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम तरा रम पम पम हंस और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तरा रम पम पम हंस और हंसाया करो। फिकर किसे क्या पसंद, प्यार के जहां मेरा जमंद जब हम तुम हम बन गए हैं सनम, बेधड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो, उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंस और हंसाया करो। बजाता तो है ही, अच्छा गाता भी है। अच्छा रोजी, मैं चलूं। जाते ही पहुंचने की खबर देना दादी, नहीं तो फिकर लगी रहती है। फिकर तो मुझे भी लगी रहती है, क्यों? हमारी आंटी कहती है कि जब जान पहचान हो जाए शादी जल्दी होनी चाहिए। ओफो मामा, फिर वही। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई दादी। हाँ हाँ, तुम तो खुश हो गए ही। मैं चलती हूँ। अच्छा रोजी, बाय दादी। बाय बेटा। बाय दादी। देखो जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। तुम खुद जाकर टोनी के डैडी मम्मी से मिल लो। हाँ आंटी, मैं टोनी से बात करती हूँ अभी। हाँ, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। कह रही थी क्या होगा मेरे घर आकर, लेकिन तुम्हारी जिद। तो क्या हुआ नैन्सी? अब चलो पिक्चर नहीं जाना। अरे तुम्हारी मम्मी को तो आने दो, और कॉफी नहीं पिलाओगी? कॉफी बाहर जाकर ही पी लेंगे। अरे कॉफी नहीं बनाई? टोनी कह रहा है हम बाहर ही पी लेंगे। चलो टोनी। मामा हम पिक्चर जा रहे हैं। अरे बैठो नैन्सी, जल्दी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है। बैठो नैन्सी। टोनी तुम्हारी मम्मी कैसी है? ठीक है, थैंक यू। एक बार मिलना चाहती हूँ तुम्हारी मम्मी से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो नैन्सी, कहीं देर ना हो जाए। बाय आंटी, फिर मिलेंगे। जरूर। आज शाम को क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर ही रहूंगा। फिर चलो। सिल्वी ने दो टिकट भेजी हैं, सुना है फिल्म बहुत अच्छी है। देखो अच्छी फिल्मों की टिकटें कोई नहीं बांटा फिरता है। अरे चलो ना, कौन सा पैसा खर्च करना है हमें? भाई मैं खुद क्लब नहीं जा रहा हूँ, थक गया हूँ। देखो तुम टोनी को ले जाओ। हाँ, मैं जब भी कुछ कहो तुम फौरन थक जाते हो। टोनी, टोनी डार्लिंग। नहीं नहीं मम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम। अरे सुन तो सही, एक फिल्म देखने चलेंगे। सुना है फिल्म बहुत अच्छी है। कौन सी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है,
सिलविदा टिकट भेजी है, मेहमत है उसमें। हाँ, वो तो मैंने देखी है, तुम डैडी के संग चले जाओ। बहुत मजेदार फिल्म है, मेहमत खूब हंसाता है। ओ मम्मी, तो तुम जाओ ना, डैडी के साथ जाओ। वैसे भी तुम दोनों बहुत दिनों से इकट्ठे हंसे नहीं। तू जा कहाँ रहा है? मैं भी तो सुनो, अपनी मम्मी के साथ जाने में तुझे शर्म आती है क्या? कम ऑन मम्मी। मम्मी क्या सिर्फ कपड़ा धोने के लिए, खाना पकाने के लिए और तुम दोनों की गुलामी करने के लिए है? नाउ लुक मम्मी, मैं कुछ भी कहूँ तो बस तुम दोनों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। मैं तुम्हें क्या बनाना चाहती हूँ, मेरा कोई शौहर नहीं है। मैं तुम्हें क्या बनाना चाहती हूँ, मेरा कोई शौहर नहीं है। मैं कुमारी हूँ। वंडरफुल, ये घुटने देगा और ये प्रपोज किया। अरे मैडम जल्दी जाके बैठिए ना, अंधेरे में इससे जल्दी कैसा जाएगा कोई। ओह मम्मी प्लीज, अकल से काम लो। अकल से नहीं, दिलों से काम लो। रूबी 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 कितना हंसाता है। अभी तो बहुत कुछ है, सारी फिल्म में हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते हैं। आपने देखी है फिल्म? हाँ, तीसरी बार देख रही हूँ। बातचीत बंद कीजिए। चुपचाप पिक्चर देखो ना, क्यों दूसरों को डिस्टर्ब करती हो? तू देखना चुपचाप, तुझसे कौन बातें कर रहा है? ये लड़की भी बहुत अच्छा काम करती है। हाँ नहीं है, मेरा लड़का पहचानता है उसे, यही खाद में रहती है। अच्छा। उसकी मम्मी मेरी यहाँ आई थी एक बार, खार बाजार में हमेशा मिलती है मुझे। खार बाजार तो बहुत महंगा है, कुछ भी खरीदो दुगने दाम। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ दो तीन दुकानें, मुझे तो हमेशा ठीक दाम से देते हैं। ये लो। ओ, मैं तो सिनेमा शुरू होने से पहले हमेशा खरीद लेती हूँ, मुझे तो बहुत भूख लगती है सिनेमा में। लगता है इन औरतों का हाथ में काफी अच्छा है, जो भी खाती है हजम हो जाता है। कौन सी चक्की का आटा खाती है? लेकिन मैं ये चपाती पकने नहीं दूंगी, पकने नहीं दूंगी। जूनी, लो बताओ, मैं तो आ नहीं रही थी, दो बार देखी थी, फिर मैंने कहा चलो घर बैठे क्या करेंगे। टोनी बिल्कुल आप पर गया है, वही नाक वही आंखें। यहाँ टोनी आपके संग है, कहीं बाजार में मिल जाती तो मैं फौरन पहचान लेती आप टोनी की मम्मी है। कितने दिनों से टोनी से कह रही हूँ, चल टोनी अपने लोगों से पहचान करा दे, ब्याह कभी भी खाने पर ये तो हम चले आते तुम्हारे यहाँ। क्यों टोनी, कहा था ना मैंने तुमसे। हाँ हाँ मम्मी, आप हैं मिसेस परेरा, ये उनकी लड़की नैंसी, ये उसका छोटा भाई सारी, मेरी मम्मी। हेलो आंटी। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने कितनी बार पूछा कैसी है तुम्हारी मम्मी, लेकिन इतनी अच्छी निकलेगी टोनी की मम्मी। ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस परेरा, मैंने कई बार कहा टोनी तुम हमारी नैंसी को अपने मम्मी डैडी से क्यों नहीं मुलाकात कराते। एक माँ को इतना जानने का हक है कि उसका बेटा किस लड़की के साथ शादी की बात सोच रहा है ना मिसेस परेरा। मैंने कहा तुम्हें क्या शर्म आती है नैंसी को अपने मम्मी डैडी से मिलाते। क्यों टोनी, मैंने कहा था ना तुमसे, हमारी नैंसी जैसी भी है सबों के सामने, हमें क्या छुपाना है, हम तो यही जानते हैं, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। कितने लड़के चाहते हैं नैंसी से शादी करना, लेकिन मैंने साफ कह दिया इसको, तू टोनी से शादी करना चाहती है टोनी से कर, हम माँ बाप है, जो बेटी चाहेगी वही करेगी। मामा मुझे कुछ ज्यादा ही चाहती है। इसके बाद मत सुनो मिसेस ब्रिगेंजा, ये तो हमेशा ऐसे ही है। ये 420 जीनी का कमरा और ये 302 तुम्हारा, ये देखो। वो देखो वो दाढ़ी है ना, इसी से लड़के को आइडिया आएगा साधु बनने का।
उधर लड़की लड़के को पहचाने की नहीं, समझे कि कोई साधु है। रहने दीजिए, मैं देख ही रही हूँ क्या हो रहा है। अरे अरे अरे, क्यों रोक रही हैं आपने? मुझे पहले मालूम होता तो इनके पास जाकर मैं खुद ही कहानी सुन लेता, यहाँ आकर पैसे तो बर्बाद न करता। और जब साधु दाढ़ी निकाल लेता है और लड़की पहचान लेती है, हम आप प्लीज वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम कुछ गलत बताया मैंने? तुम बस चुप रहो, हजार बार कहे ज्यादा मत बोला करो। मैं मर भी मर जाऊंगी, एक ही कमरे में रात गुजारूंगी। अब हमें अजनबी से खबर मिलेगी कि हमारा बेटा कहाँ और क्या कर रहा है। गॉड से ये कोई वक्त है ये सब पूछने का? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? प्लीज मम्मी, बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तो चुप रहो। मैं अब घर जा रही हूँ। प्लीज मम्मी, तुम बैठो यहाँ, मजे उड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। ये लोग क्या सोचेंगे मम्मी? हाँ हाँ, तुम्हें तो एने की लगी हुई है ना। ये मेरी बेटी छोड़ के बाकी नानी चाची दादी। जरूर तबीयत खराब हो गई होगी टोनी की मम्मी की, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, तुम यही बैठो। मम्मी प्लीज, एक दिन तो सब बता ही देता मैं, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मैं क्या कोई बच्चा हूँ? बच्चा हूँ, ऐसा क्या अक्लमंदी का काम किया है तुमने? देखिए तुम्हारे प्यार का नमूना। मम्मी प्लीज, नैन्सी बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, तो सब कुछ पक्का भी कर चुके हो? अपने मामी और डैडी को बताने की कोई जरूरत नहीं है? अपनी शादी में तो हमें बुलाओगे या उसकी भी कोई जरूरत नहीं है? ओहो मम्मी, हर चीज की हद होती है। अच्छा ठीक है, चलो घर चलो। अरे फिल्म अच्छी नहीं थी क्या? जल्दी आ गए। वहाँ तो फिल्म से भी अच्छी चीज थी, वहाँ पर हमें हमारे टोनी की होने वाली बहू और सास से मुलाकात करने का मौका मिला। अच्छा, कैसी है हमारी बहू? और तुमसे नहीं कहा हजार बार मम्मा ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा मत बोला करो, लेकिन नहीं, जबान रुकती ही नहीं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उठकर चली गई? क्या जरूरत थी उसे इतनी बातें करने की? वो तो तुमसे कुछ नहीं कह रही थी। अरे वाह, टोनी की मम्मी है और वो भी पहली बार मिली है, उससे बातें नहीं करूंगी तो क्या तुमसे करूंगी? मम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें किसी से बातें करने की जरूरत है, टोनी की मम्मी होगी तो अपने घर पर, और हमारा अपमान करके चले जाना कहाँ की शराफत है। पता नहीं क्यों चली गई, मैंने तो जो कुछ कहा है तेरी भलाई के लिए कहा। मम्मा प्लीज, तुम मेरी भलाई करना छोड़ दो। मम्मी नैन्सी ठीक कह रही है। तू चुप भी रहेगा क्या? तू कल जब टोनी से मिलेगी तो। मैं नहीं मिलती उसे। पूछ तो ले एक बार क्या बात हो गई। मैं किसी कुछ नहीं पूछती। ये कोई खानदान है? गले पड़कर अपनी लड़की को हमारे मत्थे मर रहे है। मालूम है लड़का बेवकूफ है, फंसा लो इसे। मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ नहीं तो और क्या हो? कोई ऐसे खानदान से मिलजुल बढ़ाता है? मान न मान, मैं तेरा मेहमान, सारा वक्त बस बर्बाद बर्बाद बर्बाद। नहीं मम्मी, बातें जरूर ज्यादा करती हैं, लेकिन अब... क्यों करती है बातें ज्यादा हैं? क्यों करती है, ये भी कभी सोचा है? इसमें सोचने की क्या बात है? है, यही तो तुम्हें नहीं मालूम, पेट में थोड़ी भी तालीम होती तो चुपचाप रहती। ऐसे खानदान से मिलजुल बढ़ाया जा रहा है और वो भी चोरी छुपे। अरे तुम्हें शादी करनी है तो हमसे कहो, एक से एक अच्छी लड़कियों की लाइन लगवा देंगे। लेकिन मैंने कब कहा मुझे शादी करनी है? तो फिर वहाँ क्यों जाता है उस लड़की से मिलने? अरे वाह, जान पहचान है, जाते हैं। क्यों जान पहचान है, क्यों हो एक शादी शादी बड़बड़ा रही है? मुझे क्या मालूम? कोई खानदान हो, कोई अच्छा घरबार हो, कुछ तमीज हो। नाउ जस्ट अ मिनट, उस घर में ऐसी कोई कमी नहीं है मम्मी। उस घर का नाम मत लेना मेरे सामने कभी। ओहो मम्मी, मैं तो तंग आ गया। हाँ हाँ, तुम तो तंग आओगे ही, तुम्हारे भले की जो सोच रहे हैं हम। ओ मम्मी प्लीज, फॉर गॉड से मेरे भले की मुझे सोचने दो, तुम परेशान ना हो। गलती तुम्हारी मम्मी की है और तुम ही मुंह मोड़ रही हो। नहीं बात करना तो मत करो, यहाँ कौन परवाह करता है। मम्मी
अच्छा खुद बदतमीजी करके सिनेमा हॉल चले गए और यहाँ एक्ट सिखा रहे हो। नहीं देखना है तो ना देखो, यहाँ तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। जाना मिल ले एक बार, मिलने में क्या हर्ज है? नहीं आखिर क्यों? गलती उसकी है और उसके मामा की, हम क्यों जाएं उनकी खुशामद करने? अच्छा बेटा ठीक है, तुम मत जाओ मैं बात कर लेता हूँ। नहीं अंकल, मैं कह देती हूँ बहुत बुरा होगा। नाराज नहीं होते नैन्सी, आखिर कुछ रास्ता भी तो निकालना चाहिए बेटी। रास्ता है, हम दोनों समझेंगे कि कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन ट्रेन में तो जरूर मुलाकात होगी। नहीं होगी, मैं कल से 9:10 की गाड़ी से ही नहीं जाऊंगी। गुड मॉर्निंग नैन्सी। मॉर्निंग। आज अकेले जा रही हो? हाँ। मैं पहुंचा दूं स्टेशन तक? नहीं, मैं चली जाऊंगी। प्लीज नैन्सी, मैं भी चलता तुम्हारे साथ। नो इट्स ऑल राइट, मैं चली जाऊंगी। अच्छा हेनरी, मैं जाती हूँ। तुम्हें अब लोकल ट्रेन से सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी तो 10 दिन बाकी होंगे पास के, हार क्यों दिया? तुम्हारा पास है क्या? चुप रहो, तुम बस से जाया करो, अब तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और कुछ पैसा चाहिए तुम उससे ले लेना, उस लड़की से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। दिलो 20 रुपए, दूसरा पाल बनवा लेना। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल तिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। हेलो एवरीबॉडी, हेलो इज़राइल, हेलो आंटी, हेलो नैन्सी, हेलो।
अरे हेजल इतनी सुबह सुबह? अरे सुबह न आती तो नैन्सी निकलना चाहती। अरे बैठ तू भी कुछ खा ले। अपनी गाड़ी से आई है? नहीं 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 मेरी शादी होने वाली है 28 तारीख को। अच्छा, जरूर आना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे। वो टोपैज की अंगूठी वाली लड़के से? हाँ टोपैज की अंगूठी, वो तो नकली कांच की अंगूठी थी, मैंने वापस कर दी। मेरी शादी एक दूसरे लड़के के साथ हो रही है, वो जूली है ना, उसके भाई से। वो तो सुना दुबई में कुछ कर रहा है। हाँ हाँ वही, एक महीने की छुट्टी पर आया है। 8 दिन पहले मुलाकात हुई उससे, 28 को शादी है। तो बहुत किस्मत वाली है हेजल। चोनी से तो मिलती होगी, ये कार्ड दे देगी उसे? मैंने अपनी लोकल ट्रेन का वक्त बदल दिया है, मैं नहीं मिलती उसे अब। अरे कहीं तो मिलती होगी उसे। टोनी अब यहाँ नहीं आता। क्यों? नैन्सी टोनी से नहीं मिलना चाहती। क्यों, क्या हुआ? तू क्या टोनी के बारे में पूछने आई है? क्यों, बुराई क्या है? सैबी तेरा हो गया तो जा यहाँ से। नहीं जाता। खैर मुझे उसके घर का पता ही दे दो, मैं चिट्ठी लिख दूंगी। हमें तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम। अरे उसके घर का पता नहीं मालूम? कभी गई नहीं उसके घर? कभी ले जाए तब ना, 4 महीने से बस यहीं आता रहा हमेशा। कितनी बार मैंने नैन्सी से कहा जा, जाकर पूछ। मामा क्या फायदा ये सब दोहराने से? मुझे तो लगता है टोनी शादी करना ही नहीं चाहता था, तभी तो अपने घर का पता भी नहीं बताया। ये लड़के सब ऐसे ही होते हैं, मैं तो पहले ही पूछ लेती हूँ, शादी करनी हो तो आगे बात कर वरना फूट। आओ बैठो। लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं ठहरूंगी। हाँ आज बिरयानी बनाई है, खाकर जाना। अच्छा अच्छा। अरे हाँ तेरी नैन्सी का क्या हाल है? क्या बताऊँ, वो लड़का अब नैन्सी से नहीं मिलता, मैं रसोई से होकर आती हूँ। अरे बैठ इधर, मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे तो पक्का मालूम हो गया था कि वो लड़का नैन्सी का वक्त बर्बाद कर रहा है, इसीलिए तो मैं आई हूँ तेरे पास। क्या बात है आंटी? वो फर्नांडिस है ना, अपना पड़ोसी, उसकी बहन का एक लड़का है, यही बंबई में काम करता है और गोवा में उसका बहुत बड़ा मकान है। अच्छा? मैंने फर्नांडिस से कह दिया है अपनी बहन के साथ उस लड़के को लेकर तेरे यहाँ इतवार को आ जाए, और तू भी नैन्सी को मना कर देना उस दिनों कहीं नहीं जाए, और तू कहे तो मैं उन्हें खाने पर बुला लूँ। एक बार टॉम भैया से पूछ लेती तो। ओहो टॉम भैया से पूछने की क्या जरूरत है, जानती है लड़के की तनख्वाह कितनी है? नहीं। 1200 रुपया महीना। अच्छा? हाँ। और लड़के को मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा है। तब वो 12 साल का था। अरे हाँ तूने क्या कहा, बिरयानी बनाई है? आज काम पर नहीं जाएगा? नहीं मम्मी। ठीक है घर पर ही रहे, वैसे भी तो आज शनिवार है, आधा दिन छुट्टी है। कुछ खाएगा? अरे पर कुछ खाता क्यों नहीं है? तबीयत नहीं कर रही। टोनी चल मेरे साथ बाहर चर्च तक, कुछ काम है। क्या काम है यही बताइए ना। अरे यहाँ कहीं तुम्हारी मम्मी सुन न ले, चल मेरे साथ बाहर, जरूरी बातें करनी है, चल कपड़े बदल ले। अच्छा टोनी एक बात बता, सच सच बता, जिस दिन मम्मी ने उस लड़की को सिनेमा में देखा और तुम दोनों चले आए, उसके बाद उस लड़के से फिर कभी मिले? नहीं। क्यों, तुमने अपना इरादा बदल दिया है क्या? ये सब पूछने की जरूरत ही क्या है? फिर भी टोनी मैं पूछ रहा हूं, कह देने में हर्ज क्या है? इरादा तो नहीं बदला, लेकिन मम्मी की वजह से हो या जो कुछ भी। बेवकूफ, तुम समझते हो तुम्हारे न मिलने से बात खत्म हो जाएगी? पहाड़ से गिरने वाले पत्थर को ऊपर ही रोका जा सकता है, बीच रास्ते में नहीं। मैं अगर उससे कोई संबंध न रखना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? नहीं डैड मैं तंग आ चुका हूं। किससे तंग आ गए हो? अपनी मम्मी से, उसकी मम्मी से, अपने आप से। आखिर मम्मी मुझसे चाहती क्या है? मम्मी क्या चाहती है तुम्हें नहीं मालूम? वो चाहती है तुम हमेशा छोटे बच्चे बने रहो,
लेकिन मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। नहीं हो तो मर्दों जैसा काम क्यों नहीं करते? आप चाहते क्या है मुझसे? देखो बेटा, मैं क्या चाहता हूँ या तुम्हारी मम्मी क्या चाहती है या लड़की की मम्मी क्या चाहती है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इसका फैसला तुम्हें करना होगा। उस लड़की को क्या नाम है उसका? नैन्सी। हाँ, नैन्सी। उसे कह देना जरूरी है। वो क्या करे, तुम्हारा इंतजार करे या तुम्हें भूल जाए? ये मैं क्या बताऊं डैड? तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा? तुम्हारा बाप? प्यार तुमने किया है? हाँ, प्यार तो करता हूँ, लेकिन सवाल शादी का है। शादी के बाद? अरे, प्यार क्या ऐसे ही होता है? शादी नहीं करोगे उससे? नहीं डैड, शादी के बाद मैंने सोची ही नहीं। फिर तुम लड़के से प्यार व्यार कुछ नहीं करते? नहीं डैड, नहीं, ये बात नहीं। मैं शायद आज भी नैन्सी से प्यार करता हूँ। शायद? ओके ओके, शायद नहीं, सचमुच प्यार करता हूँ। फिर झिझक किस बात की है? नहीं डैड, बात यह है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम लोग घूमें फिरे, हमारा मेल जोल बढ़ता रहे, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता टोनी, ऐसा नहीं होता। कम से कम एक अच्छी शरीफ लड़की के साथ नहीं होता। लड़की हमेशा चाहेगी कि वो शादी करे, घरबार बसाए। अगर सचमुच तुम्हारी तबीयत शादी करने की नहीं है तो लड़की से साफ साफ कह दो। लेकिन नैन्सी को तो मालूम है कि शादी के बारे में मेरे क्या विचार हैं। तुम्हारे विचार उसे मालूम है, लेकिन लड़की के क्या विचार है ये भी तुम्हें मालूम है? कभी तुमने उसे पूछा, नैन्सी तुम क्या चाहती? ठीक है, जो तबीयत आए करो। अगर शादी नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन तुम मर्द हो ना, एक मर्द की तरह उसे साफ साफ कह दो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। वो चाहे तो कहीं और शादी कर सकती है। मैं नहीं चाहता मेरा लड़का किसी भी लड़के की जिंदगी खराब करे। ठीक है डैड, कल इतवार है, सोमवार को बता दूंगा। कल वल नहीं, आज ही, अभी उसके ऑफिस में टेलीफोन करो। ऑफिस का नंबर मुझे नहीं मालूम। उसका नंबर है 262628। आप तो कैसे मालूम? कैसे भी मालूम हो, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। 262628। हेलो, 262628। मिस नैन्सी परेरा से बात कर सकता हूँ? ओके। हेलो नैन्सी, गुड मॉर्निंग, मैं टोनी बोल रहा हूँ। क्या बात है? हेलो नैन्सी, आज तो शनिवार है, आधी छुट्टी होगी। मैं आज तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं आ सकती, मुझे कहीं जाना है। नहीं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट। नहीं, टेलीफोन पे नहीं कह सकता मैं, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे नैन्सी। ठीक है, 4 बजे। हाँ हाँ, पहले हम जहाँ मिलते थे। ओके। नैन्सी, तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें चाहता था, आई लाइक, लेकिन ये जल्दबाजी मुझे अच्छी नहीं। लेकिन मैंने तो कोई जल्दबाजी करने को नहीं कहा। नहीं नैन्सी, तुमने कभी नहीं कहा, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हारे कहने न कहने से क्या होता है, तुम्हारी मम्मी जिस तरह डंडा लेके मेरे पीछे पड़ी रहती है ना। नहीं, डोंट मिसअंडरस्टैंड, तुम्हारी मम्मी के मैं कोई खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी जो आदत है ना, मुझे देखते ही उनके अंदर शादी का बैंड बजने लगता है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं करा सकता, शादी की तो बात ही छोड़। और दरअसल मैं अभी इस झमेले में पड़ना भी नहीं चाहता। नहीं टोनी, नहीं, ऐसा मत कहो। कहीं जा रहा है क्या? हाँ मैम। तू तो कह रहा था कहीं भी नहीं जाएगा, कहाँ जा रहा है? नैन्सी से मिलने। क्या? हाँ मम्मी, नैन्सी से मिलने। तो मैं भी चलूंगी तेरे साथ। कम ऑन मम्मी, प्लीज, तुम मेरे मामले में और न बोलो, अपना काम मैं खुद संभालूंगा। डैडी ने तुझे बाहर ले जाकर यही समझाया है क्या?
ये मैं कह रहा हूँ मम्मी, डैडी नहीं। क्या कहेगा नैन्सी से? यही कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा, उसे जल्दी हो तो कहीं और कर सकता। यही कहना ठीक है, और जल्दी वापस घर आना। हाँ आंटी, पहली तारीख से मुझे तरक्की मिली है। अच्छा, और एमडी साहब ने कहा कि अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो। अब कितनी तनख्वाह हो गई तुम्हारी? 550। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देखो, एक काम कर, मैं अब भी आया। दो नए मेहमान लाई हूँ साथ में। नैन्सी है ना घर में? आप क्यों नहीं? लेकिन आज मैं अभी चली जाऊंगी। हाँ तुम तो आंटी कल आने वाली थी, इस बार को क्या? हाँ वो तो आऊंगी। मैंने सोचा आज हेलिस को बता दूं। वो मैंने तुम्हें लड़का बताया नहीं था, फ्रांसिस। तो ये फ्रांसिस की दादी है और ये फ्रांसिस की मौसी है। ये मेरे पास पड़ोस में ही रहती है, नैन्सी को देखने के लिए आई है। ये हमारी एलिस है ना? हाँ। फ्रांसिस को बहुत ही चाहती है, अपना वारिस भी उसे बना लिया है। मुझसे पूछने लगी लड़की देखने में कैसी है। मैंने कहा पूछती क्या है, चल मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ। अरे हाँ, नैन्सी कहाँ है? नैन्सी, ये रही हमारी नैन्सी। आओ बेटी आओ। हेलो दादी। हेलो दादी, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे जल्दी है। अरे बाद में चले जाना, मेहमान आए हैं। बैठ थोड़ी देर, मैं चाय बनाती हूँ। अरे चाय की जरूरत नहीं है, तू बैठ। यहाँ बैठो बेटी। अब खड़े क्यों है? यहाँ बैठो नैन्सी। तुम वहीं बैठ जाओ। नैन्सी आए इधर आना, बैठ जाए यहाँ पर। हाँ अब देख लो बहू को कैसी रहेगी फ्रांसिस। अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। मैं जाता हूँ आंटी। शर्मा गई। बाहर कुछ काम होगा, अभी आ जाएगी। रोजी तू एक काम कर, कल इतवार है ना, चर्च पर फ्रांसिस और उसका डैडी को लेके आती। क्यों? ठीक है ना? हेनरी, हेनरी चले क्यों आए? क्या बात है हेनरी? हेनरी मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैन्सी। हेनरी मुझे मालूम है हेनरी, लेकिन तुम जब चाहो अपना फैसला करना नैन्सी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जाती हूँ हेनरी, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। सुनो नैन्सी, सुनो नैन्सी। हेलो नैन्सी। हेलो टोनी, सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे दो एक जरूरी बातें करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जस्ट अ मिनट नैन्सी, तुम कुछ कहो इससे पहले। नहीं टोनी, पहले मुझे कह लेने दो। मैंने आते आते ही फैसला कर लिया है कि मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि मैं तुमसे आज ये कहकर ही रहूंगा। मैंने भी फैसला कर लिया है कि जो होना था हो चुका, मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं तो कहने आया था कि अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन मिलेंगे क्यों नहीं? नहीं नहीं नैन्सी, ये कुछ दिन तुमसे न मिलके मुझ पे जो गुजरी है वो तुम मुझसे नहीं मिलोगी। देखो तुम, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी मामा पसंद नहीं, लेकिन जैसी भी है
वो मेरी मामा है। शायद थोड़ी ना समझ है, लेकिन वो जो कुछ भी करती है मेरी भलाई के लिए ही करती है ना। लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को मुझसे मजबूरन शादी करनी पड़े। नैन्सी, तुमसे कोई मजबूर होके क्यों शादी करने लगा? तुमसे तो जो भी शादी करेगा बहुत भाग्यवान होगा। थैंक यू टोनी, मुझे जो कहना था कह दिया। हम अब और नहीं मिलेंगे। नैन्सी, कम ऑन नैन्सी, मेरी तरफ देखो। मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा नैन्सी, और तुम्हारी मम्मी क्या चाहती है यह भी मैं जानता हूं। मेरे यहां भी एक मम्मी है, और मजे की बात यह है कि यह सब हमारी भलाई चाहते हैं। लेकिन इनके कहने सुनने से तो... टोनी सुनो नैन्सी, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं, काफी बड़ा हूं, और मेरी नौकरी भी अब पक्की हो गई है। और यकीन करो, तुम्हारी मम्मी से मेरा कोई बैर नहीं, रियली। जब तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम्हारी मुझसे शादी हो जाए, तो क्यों ना हम उसकी खुशी को पूरा कर दें। हाँ नैन्सी, मैं ठीक ही कह रहा हूं। पता नहीं क्यों अब तक ठीक ठीक कुछ तय नहीं कर पा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था नैन्सी। घर से तो मैं यही सोच के चला था कि तुमसे कह दूंगा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन जब तुमने कह दिया कि हम और नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो पता नहीं क्यों सब गड़बड़ हो गया नैन्सी। और अब आज यहां इस समुंदर के किनारे इस वक्त यकायक सब साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल इस पानी की तरह कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और एक अजीब बात हुई नैन्सी, मैं जब यहां आ रहा था ना, रास्ते में हमारा चर्च है, वहां देखा एक दूल्हा और एक दुल्हन चर्च में से आ रहे हैं, सब खुश है, दूल्हा भी और दुल्हन भी। तब मैं सोचने लगा कि आखिर शादी में बुरा ही क्या है, सभी तो खुश हैं। देखो तो, इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या क्या गुजरता रहता है, कभी कभी यकीन नहीं होता। नैन्सी, बेचारा हेनरी, आज यहां आते वक्त क्यों कहा उसने, तब से परेशान हूं। उसे तो मेरे और टोनी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब और देर नहीं, मुझे भी फैसला कर लेना चाहिए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज की मुलाकात का ये नतीजा होगा। चलो चलो, वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। हेलो हेलो, नैन्सी का टेलीफोन देने के लिए शुक्रिया, और आपने टोनी को यहाँ भेजा इसलिए आपको भी शुक्रिया। लेकिन डैडी तुम और अंकल आप? अरे मैंने ही तुम्हारे डैडी का पता ढूंढकर उनसे मिला। और चलो चलो चलो, देर हो जाएगी, कल ही चर्च जाकर शादी का इंतजाम करना है। जरूर जरूर। जो फैसला करना है आज ही कर लेंगे, क्या क्रांति? हाँ जी, शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। हाँ हाँ जी। अरे वो लोग आ गए। रोजी, अच्छा हुआ फिलोमिना आंटी तुम आ गई, मैं आज खुद तुम्हारे घर जाने वाला हूँ। आज 3 बजे टोनी और नैन्सी की शादी है। आंटी आंटी, इन दोनों को मुबारकबाद नहीं दोगी? चलो चलो आंटी, चलो 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 चलो। छाताला आंटी। Thank you.
जरा प्लीज नजदीक आइए। हाँ जी नजदीक प्लीज। हाँ स्टडी स्माइल थैंक यू वन मोर प्लीज। आजा आजा इस तरफ आजा आजा आजा। कम कम ऑन हेनरी हेनरी।